नमस्कार, सामाजिक सरोकार की इस कड़ी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने जाना था कि तंबाकू छोड़ने के क्या रास्ते हैं और इससे जुड़े हुए उपचार के परामर्श हेतु कौन से प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो कौन से उपाय आप अपना सकते हैं। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे डॉक्टर राकेश गुप्ता से एक बार फिर से, जो कि राजस्थान कैंसर फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के साथ ही तंबाकू एवं कैंसर के नियंत्रण के वरिष्ठ विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर गुप्ता, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हमारे पास कई दर्शकों ने जानना चाहा है कि उन्होंने कई बार कोशिश की इस लत को छोड़ने की, पर उनकी ये लत छूट नहीं पाई। जी, वो लत इसलिए नहीं छूट पाती है कि एक तो ये जानना है कि जो तंबाकू का व्यसन है, जो दूसरे व्यसन हैं जैसे कि हीरोइन का है, कोकेन का है, ओपियम का है, उससे कहीं ज़्यादा जटिलता से जुड़ा हुआ व्यसन है। इसमें मात्र शारीरिक निर्भरता नहीं है, इसमें जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि मानसिक और सामाजिक कारण भी जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ जो है वो जो जुड़ाव है उसको देखते हुए व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में, वातावरण में परिवर्तन लाना होता है। उसकी बात हमने पिछले बार करी थी कि आप तैयारी में क्या करें, है ना। उसमें हमने ये कहा था कि आप तंबाकू खरीदेंगे नहीं, खरीदवाएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, अपने वातावरण को तंबाकू मुक्त रखेंगे, आपको तंबाकू की वापस याद नहीं आए ऐसा कुछ करेंगे कि आप उसके लिए याददाश्त अपनी बनाने के लिए कि आपने तंबाकू रहित जीवन जीना चालू कर दिया है तो आप कुछ फोटो या संदेश लगा के रखेंगे। तो ये जो कुछ बातें हमने करी थी उसको लोगों को ध्यान में रखना होगा तो फिर जो है वो छोड़ना इसको आसान हो सकता है। वो ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं होगा अधिकांशतः लोगों के लिए इसको छोड़ना, मगर कुछ और भी बिंदु हैं जिन पर आप बात करना चाहेंगे। जी हाँ, मैं दो प्रेरणादायी और बात करना चाहूंगा जो लोगों को थोड़ा सा उत्साहित कर सकती है। जी। एक तो ये है कि इसके जो छोड़ने के लाभ हैं उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। और जो छोड़ने के लाभ की जो जानकारी है वो हमने यहाँ जो चित्र में दिखाया है, अगर आप देखें तो कुछ ही सेकेंडों में, 15 से 20 सेकेंड में व्यक्ति की जो नाड़ी है और जो उसका रक्तचाप है वो साधारण होने लगता है। अच्छा। सांस की गति साधारण होने लगती है। जी, जी। और उसमें फिर जो है वो कुछ घंटों में व्यक्ति को जो है वो लगता है कि अब मेरा जो है वो सांस लेने की क्षमता जो है वो बढ़ रही है। जी। 1 से 9 महीने में व्यक्ति को लगता है कि अब मैं जो मेरा स्टेमिना ठीक हो रहा है क्योंकि वो सांस ज़्यादा अच्छे से ले पाता है। जी। जो फेफड़ों में धुआं भरा हुआ था वो चला जाता है, फेफड़ों की गंदगी साफ हो जाती है। और साल भर बाद व्यक्ति को ये लगने लगता है कि जो हार्ट अटैक का खतरा है वो घट गया है, लगभग आधा रह गया है। अच्छा। हाँ, उसके बाद अगर हम देखें तो 5 साल के बाद व्यक्ति को जो लकवे का खतरा है वो लगभग आधा हो जाता है। और 10 सालों बाद अगर हम देखते हैं तो जो फेफड़े का रिस्क है, फेफड़े के कैंसर का रिस्क है, जी जी, वो आधा हो जाता है। और अन्य तंबाकू जनित कैंसरों का रिस्क भी घटने लगता है। जी। और लगभग 15 साल बाद तो ऐसी स्थिति होती है कि अगर व्यक्ति की शरीर में कोई बदलाव नहीं आया है बीमारी के रूप में तो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल उसी तरह का हो जाता है जैसा कि एक व्यक्ति जिसने तंबाकू नहीं खाया पिया हो। जी। तो तंबाकू छोड़ने के काफी सारे फायदे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फायदे ही फायदे हैं अगर हम तंबाकू को शीघ्र से शीघ्र छोड़ दें। जी, अगर हम यूं देखें, बिल्कुल आप जो कह रही हैं, फायदा ही फायदा है अगर आप तंबाकू रहित हैं, तंबाकू छोड़ देते हैं। परंतु यदि आप तंबाकू नहीं छोड़ पाते हैं तो इसके नुकसान ही नुकसान है। अच्छा। और लोगों को जो है इसलिए इसमें सावधान रहना चाहिए, छोड़ने की तत्परता रखनी चाहिए, ये एक आवश्यक बात है। जी। जो दूसरी प्रेरणादायी बात है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि लोग इसके प्रतिकार लक्षणों से, विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं, उसको जो है वो कई बार उससे पीड़ित होकर जो है वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते हैं, या कई बार लोगों से सुन ही लेते हैं कि जो है वो ये इस तरह की इसमें तकलीफें होती है तो उनके छोड़ने का जो है वो मन ही नहीं बनता है। जी, ये डॉक्टर साहब प्रतिकार लक्षण थोड़ा समझ में नहीं आया। प्रतिकार लक्षण इसलिए होते हैं शरीर में कि व्यक्ति का जो शरीर है, जो निकोटीन तंबाकू में व्यसनी पदार्थ है और उसके ऊपर वो निर्भर होता है। जी। जब उसको निकोटीन नहीं मिलती है तो ये इस तरह के लक्षण उभर आते हैं जिन्हें हम प्रतिकार लक्षण कहते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो ये है कि व्यक्ति को इसके खाने की जबरदस्त इच्छा बनी रहती है, ललक जिसको कहते हैं हम, ऐसा हो जाता है। या उसको अगर नहीं मिलेगा तो वो बेचैन हो जाएगा और वो जो है वो उसमें सुस्ती होगी, गुस्सा आने लगेगा, उदासी हो जाएगी,
कई लोग जो हैं वो इसको अपनी कब्ज होने के साथ जोड़ देते हैं, और कई बार जो है वो लोगों को ये लगता है कि अब इसको छोड़ दिया तो इससे खांसी बढ़ गई। तो ये इस तरह के प्रतिकार लक्षण हैं जो कि लोगों को लगता है कि इससे तो बेहतर है कि मैं वापस तंबाकू खा लूँ। परंतु लोगों को ये समझना है कि ये लक्षण जो हैं वो लक्षण स्थायी नहीं है, वो स्वतः ही कुछ समय में समाप्त हो जाने वाले हैं। अधिकांश लोगों में ये जो लक्षण हैं वो 1 से 2 सप्ताह के अंदर स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। इसके लिए अगर हम कुछ इलाज नहीं भी करें तो भी जो है वो ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। लोगों को ये भी जानना है कि जो मैंने लक्षण बताए ये सारे लक्षण हरेक में नहीं होते, और किसी में अगर कोई लक्षण हो भी रहा है तो उसमें उसकी तीव्रता जरूरी नहीं है कि वो उतनी हो जितनी कि दूसरे व्यक्ति में हो। कई बार हम पूछते हैं ना कि तुझे कैसा अनुभव हुआ, तेरे को क्या तकलीफ थी, तो हम उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना। तो ये एक प्रतिकार लक्षणों में जानने की बात है। जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी इन बातों से डॉक्टर साहब, मगर क्या इसका इलाज भी किया जा सकता है इन लक्षणों की जो आप बात कर रहे हैं? जी इनका इलाज हो सकता है जी। और इलाज करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम साधारण लक्षण ही इलाज करें कि आपको खांसी हो गई है तो हम कोई कफ सिरप दे दें कि खांसी कम हो जाए, कब्ज हो गई है तो कब्ज की दवा दे दें, या ये लग रहा है कि लक्षण निकोटीन की कमी के कारण है तो हम उसमें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कहते हैं वो दे सकते हैं। और दूसरा जो उपचार है वो जो दवाइयों के साथ जुड़ा हुआ है कि हम कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं कि आपकी तंबाकू लेने की जो ललक है वो किस तरह से कम हो सके, ऐसा किया जा सकता है। पर समस्या ये है, हमारी सामाजिक धारणा बनी हुई कि अरे तंबाकू के लिए क्या जो है वो उपचार की जरूरत है, दवाइयाँ क्यों खरीदनी है, इस पर पैसा क्यों खर्च करना है। परंतु मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इसको आप रोग माने तो आप दवाई भी इस पर दवाई भी खाएंगे पियेंगे, और अगर आप नहीं मानते हैं इसको रोग और अगर ये तंबाकू नहीं छूट रही है तो आपका दवा पे खर्च नहीं हो रहा है तो तंबाकू पर खर्च हो रहा है। तो बेहतर है कि आप थोड़े समय के लिए दवा पे खर्च कर दें पैसा, ताकि आपका तंबाकू का खर्च हमेशा के लिए छूट जाए और प्रतिकार लक्षण भी आपको तकलीफ ना दें। जी तो इसका सार मतलब प्रमुख बात ये रही कि इसको भी आप जो है रोग की तरह ही ट्रीट कीजिए, इसका उपचार कीजिए, और अगर आप दवाई लेंगे तो इसको छोड़ने की जो आपकी सफलता है वो दोगुनी हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक सवाल था मेरे मन में कि जैसे रोगी को इतनी लत होती है तो अगर वो इसे खाना पीना छोड़ देता है और किन्हीं परिस्थितियों में वो इसे खा पीकर जो काम चला रहा था छोड़ने पर उसे एक तलब होती है, लत होती है, उसका वो क्या करे? देखिए एक तो मैंने जैसा प्रतिकार लक्षण बताएं उसके लिए आपको उसका उपचार कराने के लिए आप किसी समीपवर्ती डॉक्टर से बात कर सकते हैं, पर स्वयं को तैयारी करनी पड़ती है जैसा कि आपने पूछा है मुझसे। और वो तैयारी जो तंबाकू रहित जीवन के बिना की है उसमें हम जो है वो एक 4 D's का जो है वो फार्मूला काम में लेते हैं जी। पहला जो D है इसमें कि आप खूब सारा पानी पिएं, पानी रखें अपने पास, धीरे धीरे पिएं, ताकि जो है वो आपको 5-7 मिनट 10 मिनट लगें, आपकी प्यास भी बुझ जाए, आपको लगे कि मुंह के अंदर आपके कुछ गया है। क्योंकि अधिकांश समय ये एक हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट भी है कि हमें मुंह में कुछ चाहिए। हाँ। तो अगर पानी है तो सबसे अच्छा, पानी सबसे भी अच्छा इसलिए भी है कि लोग बिल्कुल बिना कैलोरी का है, इससे आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है, चमड़ी अच्छी होती है। परंतु यदि आपको पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है तो कई सारे योग्य मुखवास होते हैं जैसे कि लौंग है, इलायची है, अदरक है, मिश्री है, इन चीज़ों को आप जो है वो अपने मुंह में रख सकते हैं, च्युइंगम रख सकते हैं, कोई साधारण च्युइंगम है, गोली है, और साथ में अगर दवा के रूप में हम देखें तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में निकोटीन गम देते हैं हम, तो वो व्यक्ति अपने मुंह के अंदर रख सकता है, जब उसे तंबाकू की तलब हो तो उसको चबा ले, तलब खत्म हो गई तो उसको चबाना बंद कर दे, दांतों के बीच में रहने दे, फिर अगली बार जब तलब हो तो उसको फिर खा पी ले, तो ऐसा किया जा सकता है जी। ये तो आपने बहुत ही उपयोगी विधाएं बताई हैं डॉक्टर साहब, इसके अलावा और क्या कर सकता है तंबाकू छोड़ने वाला? अभी देखिए मैंने पहले D की बात करी थी तो मैं दूसरा D बता देता हूँ आपको कि वो है डीप ब्रीदिंग की बात है जी। कि उसमें आपको सांस जो है वो धीरे धीरे लेना है जी। सांस को जो सही तरीका है लेने का उसमें अगर आपको आसपास की चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है तो आप अपनी थोड़ी आंखें बंद कर लें, मूंद लें जी। और फिर जो है वो सांस के ऊपर देखें कि नाक से सांस कैसे आ जा रहा है, उसको धीरे धीरे लें और करीब 5 से 10 मिनट तक ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा इसमें जी। आपकी जो अर्ज है वो कम हो जाएगी जी। तीसरा जो D है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें आपको जो है वो डाइवर्शन करना है अपना तंबाकू खाने पीने की जो आपको इच्छा हो रही है उससे आपको अपना ध्यान हटाना है। ध्यान कैसे हटा सकते हैं?
आप किसी अपने व्यक्ति से, निकट संबंधी से, सहयोगी से, मित्र से बात कर सकते हैं। जी। कोई व्यक्ति सामने नहीं है जिससे आप बात करना चाहते हैं, तो आजकल तो मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, उस पर आप बात कर सकते हैं। आप अगर बात नहीं करना पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप किसी ऐसे काम में अपना मन लगा सकते हैं जो पेंडिंग हो बहुत दिनों से, या जिसको करने की ज्यादा जल्दी हो, उसमें आप व्यस्त हो जाएं। कुछ गतिविधियों को आप कर सकते हैं जो कि आप अभी तक नहीं करते थे, तो उसके साथ आपका जो है वो मन डाइवर्ट हो सकता है। जो चौथा डी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और वो आपकी हमारी जो शारीरिक एक प्रतिक्रिया गतिविधि है उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको कि हम अर्ज कहते हैं। कि अधिकांश समय हमने ये अनुभव किया होता है कि अगर आपको जैसे प्यास लग रही है, आपको पानी नहीं मिलेगा, तो 10-15 मिनट बाद आप उस चीज़ को भूल जाएंगे, खाना नहीं मिल रहा है। कई बार लोग ड्यूटी शुदा होते हैं और खाना नहीं खा पाते हैं, भूख लग रही है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं भूख लग रही है, फिर काम में व्यस्त हो गए, फिर वो चीज़ 2-3 घंटे तक याद नहीं आती। जैसे ये व्रत में भी होता है जी, हाँ जी। तो ये अर्ज जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हम तंबाकू का उपभोग जो है, खाना पीना डिले करेंगे 15-20 मिनट, तो उसकी इच्छा फिर 2-3 घंटे के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये जो है वो चौथा डी है, और इन 4 डीज को याद रखना जो है वो बहुत लाभकारी होगा उस हिसाब से। जी, तो इसके अलावा क्या कर सकता है तंबाकू छोड़ने वाला? देखिए, इसमें एक तो मैंने पिछली बार जो बात कही थी कि व्यक्ति को सकारात्मक रहने की बहुत आवश्यकता है। सकारात्मक ये इस तरह से कि वो अगर एक दिन निकल गया है तो वो ये सोचे कि अब दूसरा दिन भी निकल जाएगा, 2 दिन निकल गए तो 4 दिन निकल, 2 दिन और निकल जाएंगे, 4 दिन निकल गए तो सप्ताह भर निकल जाएगा, 1 सप्ताह निकल गया तो आगे का सप्ताह भी निकल जाएगा। तो उसके बाद प्रतिकार लक्षण भी नहीं रहते हैं, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि व्यक्ति सामाजिक समर्थन प्राप्त करे अपने मित्रों से, सहयोगियों से, संबंधियों से, जो उसको इस बात के लिए प्रशंसा करें उसकी कि उसने तंबाकू छोड़ के बहुत अच्छा किया है। मैं तो ये सोचता हूँ दोस्त वही अच्छा है जो आपको तंबाकू खाने से रोकता है। बिल्कुल। संबंधी भी ऐसा हो जो कि आपको इस चीज के लिए प्रताड़ित ना करे कि अरे तू नहीं रोक सकता है अपने आप को, कभी गलती से आपने छोड़ा फिर खा लिया, आपने उससे बात करी कि भाई मुझे ऐसी इच्छा हो रही है, तो वो आपको निरुत्साहित ना करे कि तू छोड़ नहीं पाएगा। वो व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपको ये कहे कि भाई हाँ तेने छोड़ दिया था, इतने दिन छूट गया, गलती से खा लिया, कोई बात नहीं वापस छोड़ दे, तो ऐसा किया जा सकता है। या व्यक्ति जो है वो अपना कुछ और गतिविधियों में मन लगाए, अपने परिवार के साथ समय निकाले, खेल कूद में बिजी हो जाए जो वो पहले नहीं कर पाता था, टेलीविजन देख सकता है, अखबार पढ़ सकता है, कुछ अच्छा अध्यात्म का या अच्छा पठन पाठन का बहुत कुछ सामग्री आती है जो आपको पॉजिटिविटी देती है, वो किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, मुझे विश्वास है कि तंबाकू छोड़ने की काफी सारी जानकारी हमको मिल गई है। इसके अलावा भी अगर आप किसी बिंदु पर प्रकाश डालना चाहेंगे। जी हाँ, मैं एक जरूर बात कहना चाहता हूँ कि तंबाकू खाने पीने में कई बार छूट नहीं पाता एकदम से। अधिकांश लोग 2-3 बार 4 बार का समय लेते हैं, तो लोग जो तंबाकू रहित जीवन की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उनको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि कुछ रिस्की परिस्थितियां होती है जिसमें आपको तंबाकू खाने पीने से बचना चाहिए। आपको बहुत खुशी है, कोई ऐसी घटना हो गई, आपका जो है वो प्रमोशन हो गया, शादी ब्याह है घर में नए बच्चा आ गया है, तो इन चीजों के साथ जो है वो अगर आप खुशी के साथ तंबाकू खाने पीने लग जाएं तो जो है गलत होगा। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, गम है आपको, और उसमें आपने जो है वो तंबाकू खाना चालू कर दिया, नौकरी छूट गई, किसी की मृत्यु हो गई, आप कहीं आपका ट्रांसफर हो गया, आप अकेले रहने लग गए, तो ऐसे समय पे तंबाकू नहीं खाएं पिए। दो चीज और करनी होती है जो कि मैं सोचता हूँ बहुत जरूरी है। एक तो ये कि आप अपने आप को जांचें नहीं बार बार कि मैंने तंबाकू छोड़ दिया, आप खा के देख लेता हूँ। हाँ। तो वो एक बार जब आप खा के देखते हैं गलती से जांचने के लिए, तो फिर दूसरी बार भी खा लेते हैं स्वयं कि मैं वापस खा लेता हूँ। दूसरा एक जो है वो ये कि आप अगर खा लिया गलती से आप, तो अपने आप को क्षमा करना भी सीखें जी। कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं तंबाकू रहित जीवन गुजारूंगा। जी डॉक्टर साहब, अंत में आप हमको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश जो है वो ये है कि लोग तंबाकू खाते पीते हों तो इसे तत्काल छोड़ने के लिए कोशिश करें जी। और उसको छोड़ने की जो विधा है वो भी हमने बता दी है, उनको ये देखना है कि इस छोड़ने के फायदे कितने हैं। स्वास्थ्य के फायदे तो हमने बताए, उसमें आपका साथ में ये भी है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में आपका सम्मान बढ़ता है, पैसा भी बचता है, इन चीजों को भी ध्यान रखें, रिपल बेनिफिट्स जो कहते हैं उनको भी, ठीक है ना। और साथ में अगर आपके पास कोई छोड़ने के लिए आपको स्रोत नहीं मिल रहा है, तो आप 104 पर कॉल करें जी। मुक्त निःशुल्क सेवा है जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी है डॉक्टर साहब, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर फिर से आने के लिए, हमें ये जानकारी प्रदान करने के लिए। थैंक यू।
तो दर्शकों, देखा आपने कि कितना जरूरी है हमारे लिए तंबाकू को खाना पीना छोड़ना, और इसको खाना छोड़ने से सिर्फ फायदे ही फायदे हमको मिलते हैं। तो आपसे हमें जुट जाना है इसे छोड़ने के लिए। अगर आप या आपके जानकार तंबाकू खाना पीना छोड़ना चाह रहे हैं तो डॉक्टर राकेश गुप्ता, जो कि तंबाकू उपचार विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलने का समय निश्चित करने हेतु संदेश भेजें ईमेल rekeshsa82@gmail.com। मोबाइल नंबर है 09351624313। अगले सप्ताह तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए हर गुरुवार शाम 5:10 पर सामाजिक सरोकार। धन्यवाद।